रही बात आपने जो बिल्कुल कहा कि 6 महीने तक आपने सिर्फ सम लगाया, तो मुझे याद आ गया प्रभा जी का सा सा किस्सा। वही स लगाया आपने। हाँ प्रभा अत्रे जी कहती हैं, हालांकि राग यमन तो वैसे भी बेसिक राग है जो शुरुआत में ही सिखाया भी जाता है आपको। खैर मैं क्या बताऊंगा, ये तो आप मुझसे कई गुना जानते, मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए बता रहा हूँ। प्रभा अत्रे जी बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, और वो भी यही कहती हैं कि उनको भी शुरुआत में 1 साल तक उनके गुरु ने कहा कि और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ राग यमन सीखो। और 1 साल तक राग यमन सीखने के बाद की जो बात थी वो ये कि अगले 1 साल में उनके 6 राग तैयार हो गए। तो संभवतः पुष्कर जी का भी कहने का जो सेंस है वो यही है कि सिर्फ स लगाना था 6 महीने तक, लेकिन फिर वो जब स के केंद्र में जाकर समझ में आ गया कि स क्या है, तो फिर आगे का रास्ता अपने आप आसान होता चला गया। वैसे तो पुष्कर जी ये देखो कहना दोनों में डिफरेंस है शैलेंद्र जी जी, सॉरी, क्योंकि शुरू आपकी तालीम की शुरुआत में ये प्रोसेस हो तो अलग बात है, पर आप हाँ जब 16-17 साल बिल्कुल, सीख चुके होते हैं उसके बाद ये करना बहुत कठिन ये आपने है बिल्कुल कि सही बात कही, अपना ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक एक रॉ आदमी आए उसको आप कहें कि आप 1 साल तक राग यमन गाओ या राग कोई भी गाओ, वो बिल्कुल अलग है। और एक आदमी जो 16 साल तक सीखा हो उससे आप कहें कि नहीं अब तुम एक काम करो सारी गायकी भूल जाओ और सिर्फ स लगाओ, निश्चित तौर पर ये अलग है। लेकिन मैंने सिर्फ एक किस्से के तौर पर बताया। जी, कुमार जी को आपने डिकोड किया, कितना डिकोड कर पाए? आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग, और कोई भी उनको 100% डिकोड नहीं कर सकता, शायद वो अपने आप को 100% डिकोड नहीं कर सकते, बट काफी हद तक मैं समझता हूँ कि अब परसेंटेज में तो नहीं बता सकता, पर जो भी कर पाया हूँ वो तो लोगों के सामने है। पर उसका एक उदाहरण जरूर दूंगा कि क्योंकि क्या होता है कि कुमार जी को फॉलो करने वाले आप अभी काफी ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो फॉलोइंग उनका या उनका समझना कुमार जी का इन इन्वर्टेड कॉमास इज विजिबल और ऑडिबल ओनली इन व्हेन दे सिंग कुमार जीज बंदिशेस और कुमार जीज उनकी रचना जब गाते हैं तभी वो कुमार जी अवतरण होते हैं उनमें, हाँ बाकी के टाइम नहीं होते। तो मेरी काफी जो नई बंदिशें हैं नए कंपोजर्स की वो या भजन भी हैं कुछ, वो मैंने जब गाए तो कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे आईं कि अरे ये कुमार जी की बंदिश हमने तो सुनी ही नहीं थी, ये भजन कुमार जी का हमने सुना ही नहीं था। तो आप में अगर वो बात आ गई है तो उसका प्रतिबिंब आप जो भी करेंगे उसमें वो दिखाई पड़ेगा। हाँ, सो यू नेचुरली टेंड टू थिंक कि इसको कुमार जी कैसे ट्रीट करेंगे, इसको कुमार जी कैसे देखेंगे, वो कैसे, और ये स्वाभाविक रूप से होता है, कुमार जी ऐसे नहीं, कुमार परंपरा में इसको कैसे देखा जाएगा या उनकी, बिकॉज कुमार जी नेवर वॉन्टेड एनीबडी टू फॉलो हिम और एनीबडी टू सिंग लाइक हिम। वो कहते थे कि मेरे जैसा मत कहो, जो मैं कहने के लिए करता हूँ वो करो। तो दैट इज व्हाट आई हैव आल्सो ट्राइड टू डू, पर ये कहना आसान है, करना काफी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप जब फॉलो करते हैं तो शुरुआत के कुछ समय उसका इमिटेशन होता है, फिर आप उसे धीरे धीरे करके उससे बाहर आते हैं, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द पर्सन एज ए ह्यूमन बींग एंड सी बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ हिम एज एन आर्टिस्ट। तो अच्छे बुरे सभी एंगल से, और कुमार जी ने ही कहा है कि एनालाइज करना चाहिए हर चीज को, हर गायक को, अपने गुरु को, अपने आप को, तो बहुत एनालिटिकल व्यू पॉइंट से मैं उनको देखता हूँ। मैं कुमार जी का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी का भी भक्त नहीं हूँ, और ये मैं कुछ घमंड से नहीं कह रहा या कुछ ईगो से नहीं कह रहा, मेरा ये मानना है कि अगर कोई अपने आप को संगीत का स्टूडेंट मानता हो तो वो किसी का भक्त नहीं हो सकता, उसको एनालिटिकली ही देखना पड़ेगा और अपने आप को भी एनालिटिकली समझना पड़ेगा, और जो उसके लिए सूटेबल है उस उन्हीं बातों को उन्हीं आर्टिस्ट से अपने आप के लिए उसको कैसे अडाप्ट करना है, असिमिलेट करना है,
ये उसको विचार करना होगा, और वो विचार एनालिसिस के बगैर नहीं होगा, नहीं तो अंधानुकरण होगा। तो अंधानुकरण फॉर्चुनेटली मुझसे नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरा प्रयास तो यही रहा है और रहेगा कि परंपरा तो वही रहे पर उसमें अपनी एक शाखा बने। क्योंकि देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि आप अपनी गायकी बनाई है और ये सिर्फ उनको कहा जाता है जो नॉन फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए इट इज अलाउड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, पर जो परंपरा में उसी में है, पर उनको कहा जाता है कि नहीं, आप उनके तरह क्यों गाते हैं, आप उनको क्यों फॉलो करते हैं, आप अपनी गायकी बनाई है। तो ये बहुत कहना आसान होता है, पर आप भी जानते होंगे कि असल क्रिएटिव जिनको कह सकते हैं और असल स्वरूप में ओरिजिनल अपनी गायकी करने वाले लोग 0.1% 1% है HCM दुनिया में, हिंदुस्तानी में। बाकी के सभी लोग 99% 95% आर फॉलोअर्स। और फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, उसी से तो घराने बने हमारे, उसी से पे तो इतना घमंड होता है घराने का। तो फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसमें अपनी आइडेंटिटी बनाना ये बहुत जरूरी है, और ये हमेशा से मेरा प्रयास रहा है और रहेगा। इन विचारों में भी काफी कुछ समानता है जो कुमार जी कहते थे। कुमार जी ने खुद तमाम बड़े घरानों से तालीम ली थी, लेकिन वो बहुत दबंगई के साथ कहते थे कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता हूँ। और इसीलिए आप अगर उनको पढ़ेंगे, और जितना हम लोग का कॉमन लिंक आप ऐसे समझिए कि हिंदी में बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुए, पत्रकार हुए, हम लोग के लिए तो एकदम पिता
वाली छवि रही प्रभास जोशी जी की। और प्रभास जी और कुमार जी बहुत अच्छे मित्र भी थे। प्रभास जी अपने घर में कुमार जी का तस्वीर और प्रभास जी के, तो हम लोग के लिए कुमार जी को समझने का जो पहला जरिया या पहली खिड़की थी वो प्रभास जी थे। और इसलिए बहुत सारा हमने भी सुना, हमने भी बहुत कुछ समझा, और फिर प्रभास जी के जरिए बहुत सारे किस्से पता चले कि कैसे कुमार जी को खाने का शौक क्या था, कैसे वो बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाते थे लेकिन उनको बहुत सारी चीजें पसंद थी। कैसे वो कहते थे कि राग को चारों तरफ से देखो, जैसे हाथी खड़ा है तो सिर्फ हाथी की सूंड मत देखो, हाथी को घूम के चारों तरफ से देखो तो नजरिया मिलता है। लेकिन पुष्कर जी, मेरा जो आखिरी सवाल है, दरअसल वो पहला सवाल भी हो सकता था लेकिन मुझे लगा कि चलिए आखिरी में ही पूछेंगे। जब आप कहते हैं कि कुमार जी को डिकोड करना इतना आसान काम नहीं है, और अब जब आपकी गायकी सुनने के बाद लोग आकर कहते हैं आपको, या आपका परिचय कई जगहों पर ऐसे कराया जाता है कि आपकी गायकी में वो अंश दिखता है कह लें, या वो महक दिखती है, वो खुशबू दिखती है जो कुमार जी की गायकी में थी, इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं, इसको आप एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह लेते हैं, कैसे लेते हैं दरअसल इसको आप? दोनों हैं, क्योंकि कुमार जी एक 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 क्षण मान लेते हैं कि मैं या एक व्यक्ति कुमार जी की कॉपी करता है, तो ये हमारी उनके सुपुत्र मुकुल जी से भी बात हुई थी कि कुमार जी की कॉपी करना भी कोई कम बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी उनकी कॉपी कर रहा है तो दैट इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे जाके भी उसकी सुगंध आना, महक आना, उनकी छवि दिखना, ये मैं कुछ बुरा नहीं समझता, बिल्कुल ही बुरा नहीं समझता, इफ इट्स नॉट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल। हाँ, कि मैं उनके जैसे बैठूं, उनके जैसे एक्शंस करूं, उन्होंने अपने आवाज के लिए, अपने लिए जो कुछ एक वॉइस प्रोडक्शन के नियम बनाए थे, उनको मैं अपने लिए आत्मसात करूं, या उनकी कुछ और भी सुपरफिशियल चीजें हैं विच आई कैन अवॉइड, वो भी मैं करूं, तो ये तो बहुत ऊपरी ऊपरी हुआ। अगर आप असल चीज जान गए हैं तो जैसे वो कहते हैं ना, मस्क हिरन का, तो खुशबू आएगी ही, एंड आई विल टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट कंसिडर इट एज एनी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। चलिए, तो बहुत बहुत सकारात्मक मोड़ पर हम इस इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर, मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं, समय निकालने के लिए धन्यवाद, तो एक औपचारिकता है ही है, लेकिन आप जिस उम्र में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपकी आवाज से आपकी परिपक्वता या एक मझे हुए कलाकार और आपकी उम्र, इन दोनों में जो फासला है वो बड़ा दिलचस्प है, और वो फासला आपकी सोच में भी नजर आता है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत में कुमार जी से लेकर और कुमार जी की से पहले भी जो आपकी गायकी की समझ है उसको लेकर जो बातचीत हुई, मजा आया बातचीत में यकीनन पुष्कर जी, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं वो औपचारिकता कर देता हूँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक आपने यू बताया आज शुभेंद्र थोड़ा जी, मुझे सा। भी बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह वापस मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और मुझे पता है कि अभी थोड़ा सा आपके इलाके में बिजली की समस्या थी, वरना तो अभी हम आपसे कुछ गायकी की भी फरमाइश करते, लेकिन अब वो फरमाइश हम आपके पुराने कुछ कार्यक्रमों के जरिए अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।